अब देखो ये चित्र दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति। कौन है? उसके हाथ में क्या है? एक थैला। एक बैग है। क्या है? एक बैग है। और उस बैग में क्या है? टोपियां। क्या है? टोपियां। वह क्या करने जा रहा है? टोपियां बेचने जा रहा है। टोपियां बेचने जा रहा है, दिख रहा है ना सबको? एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। एक गांव में कौन रहता था? एक टोपी बेचने वाला। वह गांव गांव जाकर टोपियां बेचता था। वह क्या दूसरे गांव में जा जाकर के टोपियां बेचता और हमेशा अपने सिर पर टोपी पहनकर रहता। वह व्यक्ति क्या करता था? गांव गांव जाकर के टोपियां बेचता था और वो खुद भी क्या है? अपने सिर पर एक टोपी ओढ़कर रहता। ये चित्र दिख रहा है सबको? एक दिन वह टोपियां रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। एक दिन क्या है? वह टोपियां बेचने जा रहा था। थकान की वजह से वह एक पेड़ के नीचे सो गया और उसने अपनी टोपियां क्या है? रख दी। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। कौन रहते थे उस पेड़ पर? उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला सो गया है। बंदरों ने क्या देखा? कि जो टोपी बेचने वाला है वो क्या है? सो गया है। और बंदरों ने क्या देखा? कि उसने किसने टोपी बेचने वाले ने बहुत सुंदर टोपी पहने रखी है। बंदरों ने क्या देखा? कि जो टोपी बेचने वाला है उसने अपने सिर पर क्या है? बहुत सुंदर टोपी पहने रखी है। उसके बाद बंदरों को एक शरारत सूझी। रुक जाओ। उसके बाद क्या है? बंदरों को एक शरारत सूझी। शरारत का मतलब क्या होता है? बदमाशी करना। ठीक है। बंदर नीचे सारे बंदर है वो क्या है? पेड़ के नीचे आए। देखो आ गए ना पेड़ के नीचे और टोपी लेकर के वापस पेड़ पर चले गए। सारे बंदरों ने क्या किया? वो नीचे आए और टोपी बेचने वाले की सारी टोपियां एक एक करके लेकर के ऊपर पेड़ पर चले गए। टोपी बेचने वाले की नींद खुली को उसने देखा कि सभी बंदरों ने टोपियां पहने रखी है। अब जैसे ही टोपी बेचने वाले की आंख खुली उसने क्या देखा? कि सारे बंदरों ने क्या कर रखा है? टोपी पहन रखी है ना उसकी टोपी। वह परेशान हो गया। कौन कौन परेशान हुआ? टोपी बेचने वाला। वेरी गुड। टोपी बेचने वाला बहुत परेशान हो गया। कुछ ही देर में उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब योजना। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। उसने क्या किया कि उसको पता था कि बंदर जो है वो लोगों की नकल करते हैं। तो उसने क्या किया? अपने सर से टोपी उतारी और उसे नीचे फेंक दिया। जैसे ही बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी उतार के फेंक दी, बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार कर क्या किया? उनको फेंक दिया। और टोपी बेचने वाले ने क्या किया? जल्दी जल्दी अपनी टोपियां उठाई, थैले में रखी और वहां से खुशी खुशी दूसरे गांव टोपी बेचने चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? वेरी गुड। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि हम पर कोई संकट आ गया है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? समझदारी से काम करना चाहिए। वेरी गुड। क्लैपिंग बंद करो।